मध्य प्रदेश के दमोह के शोभा नगर में बुधवार को एक ही परिवार से सात लोगों की अर्थी उठी तो देखने वालों का दिल बैठ गया। सभी की आंखें नम हो गई। श्मशान घाट पर पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल मंगलवार को ऑटो ट्रक की टक्कर में नौ लोगों की मौत हुई थी। इनमें पति पत्नी और उनका बेटा समेत सात लोग एक ही परिवार से थे। न्यू फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र दो घंटे में। हेयर पेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के। ऑटो में 10 लोग सवार थे। सात लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी। तीन लोगों को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया था। मंगलवार देर रात घायल महिला ने दम तोड़ दिया। बुधवार सुबह एक और युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ट्रक ड्राइवर 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक नशे की हालत में ट्रक दौड़ाता रहा। दमोह शहर से निकलते ही उसने शराब पी आगे जाकर बांदकपुर रोड पर ऑटो को टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि उसका नशा मंगलवार देर रात तक नहीं उतरा। हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ था। वो पुलिस कस्टडी में बुदबुदाता रहा कि क्या मेरे ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। छतरपुर के बक्सवाहा का रहने वाला ड्राइवर नीरज सिंह लोधी है। पुलिस ने दमोह जिला अस्पताल में उसका मेडिकल कराया। घटना के समय वह इतने नशे में था कि कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसे तो ये भी होश नहीं था कि क्या हुआ है। दमोह SP शोधकीर्ति सोमवंशी के मुताबिक ड्राइवर नशे की हालत में दमोह से बांदकपुर की ओर जा रहा था। उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस किया गया है। नशे में होने की वजह से देर रात तक उसके बयान नहीं हो पाए। ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ट्रक मालिक की भूमिका की जांच करेंगे। अगर लापरवाही मिले तो मालिक के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वहीं एक अंतिम संस्कार हटानाका मुक्ति धाम एवं सात अंतिम संस्कार जटाशंकर मुक्ति धाम में किए गए हैं, तो वहीं एक शव को बिलासपुर छत्तीसगढ़ भेजा गया है क्योंकि वह वहां का निवासी था। कल जो समन्ना में दर्दनाक हादसा हुआ है, उस हादसे में शुरुआती जो स्थिति थी उसमें 10 जो लोग थे उसमें से 7 लोगों का निधन हुआ था और 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे। इसके बाद जो एक और गंभीर रूप से और 3 जो गंभीर रूप से घायल थे, उन तीनों को हमने जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया था और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान वहाँ 2 गंभीर मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, उनका निधन हो गया है और जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। इस प्रकार जो ये घटनाक्रम है इसमें मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 9 हो गई। एक महिला जो है अभी जो जीवित है, एकमात्र महिला, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है और उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। हम लोग लगातार निगाह रखे हुए हैं उसके ऊपर और दोनों की जो शव हैं, जो दो मृत हुए हैं, उनके शव एक विशेष वाहन से लेकर के यहाँ पर लाए जा रहे हैं। न्यू फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के साथ ऑल हेयर फिक्सिंग। न्यू फेसिया सैलून, हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के सामने, तिली रोड, सागर। हमारा संपर्क नंबर है 7692969387, 8770380207।